बिजनौर के नाहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात मासूम बच्ची से एक नाबालिग बच्चे द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे से इस घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मासूम बच्ची का पुलिस द्वारा मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। दरअसल बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया है। मासूम बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस को देर रात सूचना दी गई थी कि उसकी बच्ची के साथ गांव के ही एक नाबालिग बच्चे ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। एसपी देहात संजय कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं बच्चा नाबालिग होने के कारण पुलिस अभी बच्चे से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब घटना की जांच की तो मामला सही पाया गया है। बच्चे से रेप हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये थाना नेटवर्क क्षेत्र के अंदर कल रात्रि में सूचना मिली, ये गांव में जो है एक नाबालिग बच्चे द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म घटना करने का प्रयास किया गया। उसकी जानकारी को तत्काल मौके पर जो है महिला आरक्षी और पुलिस को भेजा गया और उसके बाद देखा गया घटना सही पाई गई और ये बच्चे ने नाबालिग जो बच्चा है उसके द्वारा पता नहीं किस कारण से होश में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची को जो है गंभीर हालत में रात्रि में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है। बच्चे को पकड़ लिया गया, थाने में उसे हिरासत में रखा गया। चूंकि बच्चा नाबालिग से गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो भी इसके जुवेनाइल एक्ट की नियम है उसके तहत से थाने में पूछताछ की जा रही है। उसके उपरांत जो भी उचित कार्रवाई वैधानिक वो हम लोग करेंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।